told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Delicious, creamy और बहुत ही ज़्यादा यम्मी चॉकलेट क्रीम की रेसिपी आप सबके लिए आज की इस कंप्लीट वीडियो में। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है अमूल फ्रेश क्रीम, जो पूरी तरह से वेजिटेरियन होता है। आप नॉर्मली इसे घर पे यूज़ करते हैं। ये पूरा का पूरा क्रीम आपको यूज़ करना है, इसका पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा क्रीम मैंने यहाँ पर आपके सामने इस पैन में डाल दिया है। आप चाहें तो इस क्रीम को थोड़ा ठंडा कर ले, ज़्यादा बेटर है अगर आप इसे ठंडा कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से जो इसका क्रीमी है ना, जो थिकनेस होती है वो अच्छे से जम जाती है। आप चाहें तो इसका जो वाइट वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, दूध वाला पोर्शन, उसे हटा सकते हैं, बट मैं नहीं हटाने वाली, बिल्कुल उसी के साथ बनाने वाली हूँ। सेकेंड चीज़ हम इसमें डालने हैं 1/4 कप ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। यस, कंडेंस्ड मिल्क ही इसको बहुत ज़्यादा डिलीशियस टेस्ट देगा। द नेक्स्ट थिंग हमने यहाँ पे यूज़ किया है 1/3 कप ऑफ अनस्वीटन कोको पाउडर। आप स्वीटन कोको पाउडर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कोको पाउडर आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी मैंने यहाँ पे कोई फ्लेम नहीं यूज़ किया है, नॉर्मली इसे मिक्स कर लिया है बिना गैस फ्लेम के। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इसे इंडक्शन में डाला और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे अच्छे से मिक्स करना है, और ये बिल्कुल थिक और क्रीमी होने तक हमें कुक करना होगा। इसे कुक करने के लिए हमें टोटल 5 से 7 मिनट का समय लगने वाला है। साइड से अच्छे से चलाते हुए करें, नहीं तो ये अगर नीचे पैन में लगेगा तो चिपक सकता है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमको लेना है मिल्क कंपाउंड। यस, आप सबके साथ मैं 3 तरह के चॉकलेट क्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें पहली चॉकलेट क्रीम की रेसिपी है मिल्क कंपाउंड के साथ। मैंने यहाँ सिर्फ 100 ग्राम ऑफ मिल्क कंपाउंड यूज़ किया है, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया। आप चाहें तो डायरेक्टली डाल सकते हैं, बट चॉकलेट क्रीम है, फटाफट उसमें आपस में मिक्स करना ज़रूरी है, इसलिए जितने छोटे टुकड़ों में आप इसे चॉप कर लें उतना बेटर होगा आपके क्रीम के लिए। जब आप चॉपिंग कर रहे हो, या तो आप पहले चॉप कर लें या फिर आप गैस का फ्लेम बंद कर दें। उसके बाद आपको इसमें डाल देना है चॉकलेट क्रीम। अभी गर्म है क्योंकि हमने उसे अच्छे से कुक कर लिया था। 5 से 7 मिनट मुझे लगे थे उसे थिक करने में, कुक करने में। अब हमें सिर्फ तब तक इसे कुक करना है जब तक कि पूरी चॉकलेट उसमें मेल्ट ना हो जाए। सिर्फ हमें मेल्ट करने तक ही ये काम करना है, आपको कुक नहीं करना है उसके बाद बिल्कुल भी, और आपको तुरंत ही उसे गैस फ्लेम से रिमूव कर देना। ये देखिए, सारी की सारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। आप इसे छान कर ही यूज़ कर सकते हैं, बट मैं बिना छाने आपको इसकी स्मूथनेस दिखाऊंगी, इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी, और इसका डिलीशियस जो लुक है ना वो भी दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देखिए, बिल्कुल नॉर्मल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी पर अभी ये है। बहुत ही अच्छे से रोटेट हो रहा है, कोई भी लम्स इस पर नहीं है। आप इसे फ्रिज में 6 महीने तक स्टोर करके रख सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आप चॉकलेट्स बना सकती हैं, गनाश फिलिंग के लिए आप केक्स बना सकती हैं, आप ब्राउनी बना सकती हैं इसी क्रीम के साथ। रिसेंटली मैंने आप सबके साथ एक ब्राउनी की रेसिपी शेयर की थी, जिसका लिंक मैंने आपको आई बटन में दे दिया है। इसे सारा का सारा मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बाउल में वो कितने अच्छे से आया, बहुत ही ज़्यादा सुंदर इसका लुक दिख रहा है। और इस तरह से आप उसे क्लिंग रैप करके आराम से, या तो बाहर थोड़ी देर उसे ठंडा होने दें, 2 से 3 घंटे लगेंगे, या फिर आप उसे फ्रिज में रख दें 2 घंटे के लिए। फ्रिज में 2 घंटे के रखने के बाद, या फिर आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 घंटे के बाद आपको इसे निकालना है। ये देखिए, 2 घंटे के बाद मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि उस बाउल का मुझे और भी कुछ यूज़ था तो मैंने इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो अब आपको मैं दिखाने वाली हूँ इसका क्रीमीनेस। वाओ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, शर्त लगा लीजिए कि ये रेसिपी देखते ही आप बनाएंगे अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए इस तरह के चॉकलेट क्रीम। ये चॉकलेट क्रीम आप ब्रेड के साथ स्प्रेड करके खा सकते हैं, बच्चे ऐसे ही खा सकते हैं। केक में जो आप लेयर्स डालते हैं ना, चॉकलेट केक या अदर केक्स जो बना सकते हैं, बेस केक, उसमें आप इस चॉकलेट क्रीम का लेयर डालिए, इसके साथ आप चॉकलेट केक को डेकोरेट कीजिए,
बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। आप मार्केट से केक लाना छोड़ देंगे अगर आप इस तरह की चॉकलेट क्रीम के साथ अपने केक को डेकोरेट करते हैं और उसे बच्चों को खिलाते हैं। तो आप नॉर्मल आटे का केक बनाइए और इस चॉकलेट क्रीम से आप उसे डेकोरेट कीजिए, तो लिटरली बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और आपसे बिल्कुल डिमांड करेंगे कि हमेशा आप हमें यही खिलाओ। आप बिल्कुल खिला सकते हैं, और मैंने पहले भी बताया कि इस चॉकलेट क्रीम को आप ईजिली किसी एयर टाइट कंटेनर जार में 6 महीने तक फ्रिज में, नॉट इन फ्रीजर, सिर्फ फ्रिज वाले सेक्शन पे आप इसे 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इवन रूम टेम्परेचर में भी आप इसे आराम से 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह का आप एक जार ले लें और उस जार में ये सारा का सारा क्रीम आप ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं। मैंने इस क्रीम को बनाया है और फ्रेंड्स, आप सबके साथ मैंने इस क्रीम के साथ जो ब्राउनी बनाई थी वो मैंने आप सबके साथ शेयर की है। इसी क्रीम के साथ मैं कुछ चॉकलेट्स बनाऊंगी, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जल्दी उसकी वीडियो। और मैं आप सबके साथ 3 तरह के चॉकलेट क्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये पहली चॉकलेट क्रीम की रेसिपी है जो मिल्क चॉकलेट से बनी है। इट्स कम्प्लीटली डिलीशियस, बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चॉकलेट क्रीम हमारा बन करके तैयार हो चुका है। इसे आप बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से पैक कर दें और पैक करके आप इसे किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी मिलूँगी। बाय बाय।